दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आज कुछ रेसिपी नहीं बनेगी, ये क्या पेड़ पौधे दिखा रहे हैं। दोस्तों ये है बकफूल के पेड़, आपको भी दिखाई दे रही होगी सफेद रंग के बकफूल। दूसरे नामों में हम इसे बकुल फूल, अगस्ती के फूल, हिरन फ्लावर और साइंटिफिक नाम में इसे सेस्वानिया ग्रैंडिफ्लोरा बोल के जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की रेसिपी में इस फूल के पकौड़े बनाते हैं जो बनेगी बहुत ही टेस्टी, कुरकुरे और स्वादिष्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बकफूल का अंदर का ये हिस्सा हमें निकाल लेना है। ये हिस्सा टेस्ट में थोड़ी कड़वा होती है, बस इस तरह से दोस्तों हमें सारे फूलों की अंदर का ये हिस्सा निकाल लेना है। बस इस तरह से हमने सारे फूलों की अंदर का जो ये हिस्सा अनवांटेड हिस्सा निकाल के रख दिए हैं। और अब करेंगे पकौड़े बनाने की प्रिपरेशन। हमने करीब 100 ग्राम की बेसन लिए हैं, ऐड किया है चुटकी भर सोडा, आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और करीब एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सौंफ, नमक ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से। अब फाइनली ऐड करेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे, ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी और हमें बेसन के पेस्ट को तब तक चम्मच से हिलाते रहना है जब तक ये बेसन का ये मिक्सचर पूरी तरह स्मूथ हो जाए। लीजिए हमारे मिक्सचर पूरी तरह स्मूथ और बिल्कुल तैयार है पकौड़े तलने के लिए। इधर हमने बकफूल को अच्छी तरह धो लिए हैं, कढ़ाई पे तेल भी गर्म हो गई है और अब बकफूल को एक एक करके बेसन के पेस्ट में डुबो के तलेंगे पकौड़े। दोस्तों पकौड़े तो बहुत सारे बहुत तरीके के पकौड़े आपने टेस्ट किए होंगे, खाए होंगे। इस बार ये रेसिपी भी आप एक बार ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म करारे टेस्टी बकफूल के पकौड़े तल के रेडी है, चलिए प्लेट पे सजाते हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं और ये पकौड़े बिल्कुल करारे और टेस्टी बने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और ऐसे ही रेसिपी के साथ। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching.